एक्चुअली ये दवाएं मैंने खोजी नहीं है, ये दवाएं पहले से ही इंडियन मार्केट में उपलब्ध थीं। और इन दवाओं को निकालने के पीछे का एक कारण था कि कोरोना वायरस एक्चुअली 1968 से जो इस पे लिटरेचर अवेलेबल है नेट पे, तो वो हमने पूरा डाउनलोड किया। और ये डाउनलोड 1968 से लेके 2019 तक है। और एक चौंका देने वाली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डाटा नेट पे अवेलेबल था 30 जनवरी तक, फिर उसे धीरे धीरे सारे डाटा को नेट से हटा दिया गया है। और ये डाटा पूरे वर्ल्ड में, केवल अगर हम बात करें चाइना को छोड़कर, तो ये डाटा शायद हमारे ही पास है। और इन सब चीज डाटा को पढ़ने के बाद हमने ये मेडिसिन निकाले। ये एक्चुअली पूरे रिसर्च पेपर हैं और पीएचडी थीसिस है। पहली दवा है आइवरमेक्टिन, जो कि एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, और दूसरी दवा है रिफेम्पिसिन, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कोरोना वायरस के ऊपर जो लिटरेचर अवेलेबल था, उन पूरे लिटरेचरों को पढ़ने के बाद ये दोनों दवाएं निकल कर आईं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दवाओं का उपयोग दूसरी दूसरी डिजीज़ में, रोगों में होता है, और इसके सिम्टम्स कोरोना के इन डिजीज़ों से मिलते जुलते हैं। तो मैं इसके लिए आईसीएमआर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन दोनों दवाओं का एक क्लिनिकल ट्रायल कराएं। अगर क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस होती हैं तो ये पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए गौरव। हाँ, आईसीएमआर को हमने रिक्वेस्ट किया था, मेल भी किया है, ट्वीट भी किया है, और पीएमओ में भी ट्वीट किया है, पर अभी कोई रिप्लाई ना आने के कारण हमें मीडिया का सहारा लेकर हमने इसे आगे बढ़ाया है। क्योंकि हम आईसीएमआर एक प्रोटोकॉल के तहत ही जाना चाहते थे कि पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल हो, पर वहाँ से कोई रिप्लाई ना आने के कारण हमने इन दोनों दवाओं का नाम मीडिया में ओपन किया। मैं डॉक्टर विवेक सिंघई, साडोरा अशोक नगर का मूल निवासी हूँ, और वर्तमान में मैं भोपाल में स्माइल एंड साइन डेंटल क्लिनिक में कार्यरत एक डेंटल सर्जन हूँ, साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ।